मैं तभी से आपको फॉलो कर रही हूँ, अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, और वो आपको फॉलो करते करते ही ये इतना कम मैंने कर लिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मतलब आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक अ फीलिंग लाइक मैं किसी स्टार को देख रही हूँ क्योंकि इतने टाइम से मैं आपकी वीडियो फॉलो कर रही हूँ और सारी चीजें देख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। सर मेरा एक सवाल था, आप लोगों का मैं करीबन 15 दिन से फॉलो कर रही हूँ और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। हालांकि मैंने जो आपके वीडियोज हैं उसी से अभी डाइट फॉलो किया और आटा तो आज से ही शुरू किया है मैंने जो डाइट चार्ट से, लेकिन मेरा जो फास्टिंग है वो 152 है और पीपी मेरा थोड़ा कम हो गया है, 146 हो गया है। मेरे को ये पता करना था कि अगर हम डायबिटीज रिवर्स करते हैं तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा डायबिटीज रिवर्स हो गया है, और इसमें एक जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है एक GTT टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्या वही टेस्ट रहेगा इसके लिए भी, मतलब जी ये जी नहीं क्वेश्चन मेरा इसमें जी रहेगा। जी जी देखिए, डायबिटीज रिवर्स हो गई है या नहीं हो गई है उसकी कुछ स्टेजेस हैं जिससे हम पता लगेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल की शुरुआत कहाँ से होती है। कि जैसे ही हम डाइट को कंट्रोल करते हैं, ग्लाइसेमिक लोड कंट्रोल करते हैं, तो दवाइयां हट जाती हैं। तो जब दवाइयां हट जाती है तो वहां से हम कहेंगे डायबिटीज रिवर्सल की यहाँ से शुरुआत हुई है, वहां डायबिटीज मैनेजमेंट खत्म हो गया, डायबिटीज रिवर्सल शुरू होगा। और डायबिटीज रिवर्सल कब कंप्लीट होगा वो एक एक स्टेज देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल की रेंज में रहने लगे। दूसरा हम पैरामीटर ये देखेंगे कि हमारा HbA1c नॉर्मल आ जाए, 5-5.5 के आसपास आ जाए। और फिर तीसरा पैरामीटर हम ये देखेंगे कि GTT टेस्ट पास कर लें। तो GTT टेस्ट में एग्जैक्टली हमें क्या देखने की जरूरत है वो उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि इसमें काफी लंबा डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी कि एग्जैक्टली GTT को हम कैसे देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे यहाँ जो नंबर हैं दिए हुए, अगर आप उस पर फोन करेंगे और अपनी रिपोर्ट शेयर कर देंगे तो वो हम उसके बारे में आपको गाइड कर देंगे। तो मेन बात यह है कि आप अपना कंट्रोल लेके चले। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आदमी की दवाइयां बंद हो जाती है तो आदमी को लगता है कि भाई अब तो मेरी डायबिटीज रिवर्स हो गई, अब जो मैं चाहूँ खा सकता हूँ, अब मुझे किसी नॉलेज और डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। तो वहां से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दैट इज हाफ डन। वो तो आप मतलब आप आधे रास्ते में, पूरा रास्ता तब कंप्लीट होगा जब ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट के सारे पैरामीटर्स ठीक हो जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगी सर, अभी मुझे 1 अप्रैल 1 या 2 अप्रैल को ही आई हैड अ मिसकैरेज, सो तभी मुझे पता चला कि मेरा ब्लड शुगर उस टाइम पर 180 और 200 समथिंग आ रहा था, तभी मुझे पता चला कि मेरा ब्लड शुगर है। मैं तभी से आपको फॉलो कर रही हूँ, अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है और वो फॉलो करते करते ही ये इतना कम मैंने कर लिया है। तो मैं आगे भी नहीं चाहूंगी क्योंकि माय मॉम वाज डायबिटिक, तो मैं उनका बहुत ज्यादा वो चीजें मतलब देख चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मेडिसिन पे नहीं जाना चाहती हूँ। जी, जैसा आपने ये बताया कि जो ये हार्मोन्स का इशू आता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो जो फीमेल हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो भी उनका भी इम्बेलेंस हो जाता है। और जो ऐसा है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब कम होता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी कारण से ये PCOS के जो केसेस हैं वो भी इसी कारण से होते हैं। तो आपका रास्ता ठीक है, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो वो हार्मोन्स वो भी बैलेंस हो जाएंगे और फ्यूचर में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।